नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन कोटरिया स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल सॉफ्ट लैब पे। इस चैनल पे मैं हर बार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। चलो आप मेरे चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हां बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो कोई भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज्यादातर बात न करते हैं, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले इसकी बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं सीखने वाला एक, अभी आप देख सकते हैं मेरा माउस का जो कर्सर है वो अभी इसकी साइज बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो साइज बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाया जाए, डिक्रीज करनी है डाउन करनी है तो कैसे किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मेरे को स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है माउस सेटिंग। माउस सेटिंग लिखने के बाद ए डायलॉग आपके सामने आ जाएगा, इसमें से माउस का सेटिंग है। यहाँ पे कर्सर की स्पीड का ऑप्शन है, हमको इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। एडजस्ट माउस कर्सर साइज ए वाला ऑप्शन आप रिलेटेड सेटिंग में देख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन उस पर मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी साइज बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ सकती है। देख सकते हैं मेरा माउस का पॉइंटर कितने साइज हुई रेडी। उसका कलर वेरिएशन चेंज करना है तो वो भी है यहाँ पे अवेलेबल, ये कर सकते हैं। ए टाइप का करना है तो ए भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं रेडी कैसा हो रहा है। ए टाइप का करना है तो ए भी, कोई भी कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप माउस का पॉइंटर का जो भी साइज और कलर दोनों यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल जो है वही रख देता हूँ ऐसे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यही तक रखता हूँ, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।